महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी के सेवाग्राम स्थित आश्रम का दौरा किया। बापू कोटी समेत आश्रम क्षेत्र का निरीक्षण कर जानकारी ली गई। गांधी जी ने देश को एकजुट करने का काम किया। आश्रम पहुंचने पर सेवाग्राम की सरपंच सुजाता ताकसांडे, आश्रम प्रतिष्ठान के नामदेव ढोले ने चरखा भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आदि निवास बापूकुटी, जहां कस्तूरबा गांधी रहती थी, बापूकुटी जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहते थे, गांधी जी का तत्कालीन कार्यकाल आदि का उन्होंने दौरा किया। जब इधर आए और बापू जी के आश्रम में न जाए ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक मैं पुस्तकों में पढ़ा था कि बापूजी रविग्राम में रहते थे, कच्चे मकान में रहते थे और बापूजी का सादगी जीवन एक आदर्श रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जबकि उसको सारी सहूलतें मिल सकती थी, लेकिन वो ऐसो आराम की जिंदगी को त्याग कर जन सेवा में उन्होंने अपना जीवन लगाया। जब कोढ़ की बीमारी पहले होती थी जिसको सोचते थे कि ये लाइलाज बीमारी है, बापूजी ने उस वैसे मरीजों को अपने हाथ से धोकर उनकी सेवा सुश्रुषा करते रहे। जब कोई हम व्यक्ति को हम महान मानते हैं तो उस व्यक्ति में कोई न कोई महानता होती है, और बापूजी ने हमारे देश के लिए जो किया है, देश के अधिकांश लोग सिर्फ पुस्तक में पढ़े हैं। अमरावती हो, वर्धा हो, यहाँ के लोग जानते होंगे, लेकिन देश के अन्य भाग के लोग सिर्फ पुस्तक में पढ़े हैं। और इसीलिए मेरी भी जिज्ञासा थी कि मैं काफ़ी दिन से, जब मैं महाराष्ट्र का गवर्नर होकर आया तो मैं इधर का दौरा करूंगा, तो उस समय आश्रम जरूर जाऊंगा, और वो समय आज आया। आज यहाँ आने के बाद मैं पूरा यहाँ पर आश्रम देखा, और वास्तव में गांधी जी ने जिन कठिन परिश्रम से, कठिनता से रहकर पूरे देश को जोड़ने का काम किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। मैं बापूजी को नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए जो सेवा किया, इसीलिए हम उसको आज राष्ट्रपिता कहते हैं। और राष्ट्रपिता उसको कहते हैं जो सबके राष्ट्र के लिए माननीय हो, जिसको वो नेता माने। मैं पुनः रविग्राम की धरती को, धरती के मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ। NBC न्यूज के लिए रवि यूनोरकर की रिपोर्ट।